Audio Jungle. Audio Jungle. Hello everyone, welcome back to my another video. तो दोस्तों मैं आज आपके लिए एक और न्यू और कमाल की वीडियो लेकर आ गई हूँ। तो जैसा कि हम आज कोको पीट के ऊपर बात करने वाले हैं, आप सभी बेसिकली जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं उनको बता देती हूँ कोको पीट होता क्या है। एक्चुअली कोको पीट ये होता है जैसे कि जो कोकोनट का जो छिलका होता है उसमें से कुछ पाउडर टाइप का निकलता है, उसको मशीन के थ्रू दबाकर एक ईट टाइप की बना ली जाती है मशीन से, और इसको आप फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हो या फिर किसी जो गार्डन वाले स्टोर होते हैं वहाँ से भी आप खरीद सकते हो। ये बेसिकली खाद की तरह बन जाता है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको इसको कैसे यूज़ करते हैं और कैसे इसको बनाते हैं उसका पूरा प्रोसेस बताने वाली हूँ, क्योंकि इसको आप अपने जब गार्डनिंग करते हो आप इसे मिट्टी में मिक्स करके और या फिर इसी में डायरेक्ट पौधे उगाते हो तो बहुत ही अच्छे पौधे उगते हैं। और ये इसमें जैसे कि आप थोड़ी सी सॉइल ले लो और थोड़ी सी इसमें ये कोको पीट ले लो और थोड़ा सा गोबर भी नहीं लेते, आप इसी को ही यूज़ करते हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे पौधे इसमें उगते हैं। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर है बेसिकली। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने बाल्टी में पानी ले लिया है, आधा बाल्टी कम से कम, और उसमें मैंने इसमें भिगोना स्टार्ट कर दिया है। तो आप भी अपने हिसाब से, क्योंकि जब ये फूल जाता है तो इसमें इसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए आप लोग किसी ऐसी चीज़ में इसको करना कि ये अच्छे से स्टोर हो सके और पूरा कवर हो सके। तो आप देख सकते हो बेसिकली अभी एक छोटी सी ईंट के साइज़ में आएगी, और जब जैसे पूरी तरीके से फूल जाती है तो इसकी जो क्वांटिटी है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अभी मैं इसको पूरे अपडेट के साथ आपको दिखाती रहूँगी। तो अभी बेसिकली मैं इसको पूरा भिगा देती हूँ पानी में, पहले जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आप लोग को भी उस तरीके से कर लेना है, नहीं तो आप नॉर्मली क्या कर सकते हो कि एक ट्रे लेके इसके ऊपर धीरे धीरे पानी डाल सकते हो और ये इससे इसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। बट इससे क्या होगा कि आप अगर ये वाला ट्रिक यूज़ करते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और आपको पूरे टाइम इसके पास ही आपको बैठना पड़ेगा। बट अगर आप एक बाल्टी लेते हो और उसमें डाल के छोड़ देते हो बेसिकली, तो आप कोई और सा भी काम कर सकते हो और ये अपना फूलते रहेगा। तो यहाँ पर मैंने इसको छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए, उसके बाद हम इसकी सिचुएशन देखते हैं ये कौन सी कंडीशन में होता है। तो हम थोड़ी देर बाद मिलते हैं इसी के साथ। तो ये हमारे 30 मिनट बाद की सिचुएशन है दोस्तों, आप देख सकते हैं अभी भी इसका जो जिस शेप में था ये पहले से अभी भी वैसे ही शेप में, बहुत ही थोड़ा सा भी ये गला है, इसकी जो क्वांटिटी थी थोड़ी बहुत ही बढ़ी है, अभी पानी में पूरी तरीके से घुला नहीं है, अभी भी पहले की तरह शेप में ही बिल्कुल टाइट है। और जब पूरी तरीके से इसकी ये घुल जाता है पानी में तो ये बिल्कुल खाद की तरह हो जाता है। तो हम इसको थोड़ी देर और देखते हैं ये कब तक अपनी रियल शेप लेता है। तो यहाँ पर हम एक घंटे बाद चेक करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी थोड़ी बहुत ही इसकी सिचुएशन ठीक हुई है, थोड़ा बहुत ही ये गला है। तो हम इसको थोड़ी देर और छोड़ देते हैं। तो दोस्तों यहाँ दो घंटे बाद जब मैंने चेक करा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये काफ़ी ज़्यादा गल चुका है पानी में, और यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से हो चुका है, बट अभी भी ये बहुत ज़्यादा हार्ड है अंदर से। आप देख सकते हो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइट लग रहा है तोड़ने में भी, और अभी अंदर से बहुत ज़्यादा ड्राई है, अभी बिल्कुल अच्छे तरीके से ये घुला नहीं है पानी में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं इसको तोड़ रही हूँ तब ये बहुत टाइटली टूट रहा है, बट ये इजीली खाद की तरह जैसे नॉर्मली खाद होता है उस तरीके से अभी भी पूरा प्रॉपरली बना नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं सारा तोड़ के दिखा देती हूँ, अभी अंदर से बिल्कुल ही ड्राई है, यहाँ पे ब्राउन से इसका जो कलर है वो पहले वाला ही दिख रहा है, बट पूरी तरीके से इसमें अभी पानी नहीं आया है। यहाँ पर देख सकते हो अभी मैं थोड़ा तोड़ लेती हूँ।
बट हम ऐसे इस और इसका पानी भी बिल्कुल ड्राई नहीं हुआ है, क्योंकि ये जब पूरी बिल्कुल अच्छे तरीके से सूख जाता तो बिल्कुल ड्राई हो जाता है, इसके अंदर पानी भी बिल्कुल नहीं रहता। बट अभी आप देख सकते हो मेरी बाल्टी में काफ़ी ज़्यादा पानी भी है और अभी ये अंदर से बिल्कुल अच्छे तरीके से फूला नहीं है, बहुत ज़्यादा इस अभी ड्राई है ये अंदर से। तो अभी मैंने इसे शाम के टाइम पे स्टार्ट करा था बनाना, बट अभी बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, मैं रात के टाइम पे वीडियो शूट कर रही थी तो आप देख सकते हो थोड़ा अंधेरा भी हो गया है, तो अब मैं आगे शूट नहीं कर पाऊँगी, इसलिए अब हम इसे मॉर्निंग में देखेंगे हमारे मॉर्निंग में इसकी सिचुएशन क्या है, बिकॉज अभी रात में हम नहीं बना सकते हैं वीडियो, तो मैं इसको पूरी नाइट के लिए इसको छोड़ दूँगी। अब नाइट जब हम सुबह इसको उठ के वीडियो बनाएंगे तो मैं आपको बताती हूँ कि इसकी सिचुएशन क्या है, ये पूरी तरीके से ड्राई हुआ है या नहीं हुआ है, जो हमें कंडीशन चाहिए इसकी वैसी हुई है कि नहीं हुई है। तो अब हम इसे पूरी रात के लिए छोड़ देंगे, फिर हम मॉर्निंग में देखते हैं इसकी कंडीशन क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी मॉर्निंग हो चुकी है और यहाँ पर जब मैं चेक करने आई तो यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा एक्स्ट्रा वाटर था नाइट के टाइम वो बिल्कुल ही गायब हो चुका है, जो हमारा कोको पीट था उसने बिल्कुल ही अपने अंदर सोख लिया है वाटर को, जो एक्स्ट्रा वाटर था अब कहीं भी बिल्कुल भी एक्स्ट्रा वाटर नहीं दिख रहा है, बिल्कुल ही अच्छे से ये जो हमारी कोको पीट है वो तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर क्या है कि जो हमारा ड्राइनेस दिख रहा था बीच बीच में, जो मोटी मोटी सी लेयर रह जा रही थी वो कहीं भी नहीं, यहाँ पे मैं देखो आप चेक करके दिखा रही हूँ। तो दोस्तों आप इनका इसका यूज़ इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि आप कोई पौधे उगा रहे हैं या कोई बीज अंकुरित करना चाहते हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं, आप 50% मिट्टी और 50% इसको यूज़ करके आप अपने जो पौधे हैं और गार्डनिंग है वो कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मली इसके अंदर भी बीज उगाना चाहते हैं तो भी आप ईजिली उगा सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है गार्डनिंग के लिए, क्योंकि ये मिट्टी में बहुत अच्छे तरीके से खुल जाता है और जो वाटर है उसको बहुत अच्छे से ऑब्जॉर्ब करता है, तो आपकी गार्डनिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। आप भी इसको इजीली फ्लिपकार्ट से या किसी भी जो गार्डनिंग के शॉप होते हैं वहाँ से बाय कर सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट में, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करते जाना, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना।